हेलो फ्रेंड्स, श्रुति डांस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबका ये साल बहुत खुशियों भरा हो। तो आज हम इस नए साल की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे भजन राम आएंगे इस पे। ये गाना बहुत प्यारा है और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस पे आप डांस सिखाएं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो भजन है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, कई लोगों ने इसको गाया है। मैं जिस गाने पे आपको सिखा रही हूँ वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इसमें पैर देखिए आपको सिंपल ऐसे बस हल्का हल्का डिपिंग करना है, ज्यादा पैर का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के अपना आपको पैर चलाना है एक, और ज्यादातर आप हाथ से एक्शन करेंगे, ज्यादा पैर के स्टेप नहीं। आएंगे तो अंगना सजा, तो आपको ऐसे एक्शन करना है, आएंगे आगे पैर रख के, आएंगे तो अंगना, ये आपका तो अंगना सजाऊंगी। आप कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो ऐसे ऐसे हाथ खोल के आप उंगलियां हिलाते हुए ऐसे तिरछा होके दिखाइए, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, सजाऊंगी, हाथों को ऐसे करते रहिए, सजाऊंगी। फिर दीप जला के, तो दीप के लिए आप ऐसे एक्शन करेंगे कि आप ऐसे दीप जला रहे, दीप जला के मैं खुशियां मनाऊंगी, पैर आगे हाथ ऊपर ऐसे खोल के, फिर पैर पीछे हाथ पीछे, ये एक्शन है। 1 2 हाथ उसके साथ, जब पैर आगे रखा है तो हाथ ऐसे खोल लेंगे, ऊपर देखेंगे, हाथ को ऐसे नीचे ले जाएंगे और पैर पीछे, दीप जला के खुशियां मनाऊंगी। ये लाइन 2 बार है, तो आपको 2 बार यही एक्शन करना है। किसी भी भजन कीर्तन में या किसी फंक्शन में भी आप इस गाने पे परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरे जन्मों के, तो आपको सिंपल कमर चलानी है, अपना एक हाथ कमर पे रखना है, एड़ी उठाना है, कमर चलाना है, सिंपल ये एक्शन है कमर का और पैर का। अब हाथ को आप नीचे से ऊपर लाएंगे ऐसे, मेरे जन्मों के, कमर बराबर चलेगी, ठीक है, मेरे जन्मों के, फिर थोड़ी देर म्यूजिक है, आपको उस पर हाथ यही रखना है, बस ऐसे ऐसे करते रहना, हाथ को पलटते रहना और कमर चलाना है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से रिपीट होगी लाइन मेरे जन्मों के, आपको इस लाइन पे फिर क्या एक्शन करना है, मेरे जन्मों के, एक बार ऐसे हाथ रखना ऐसे, ठीक है, और सारे पाप, तो ऐसे नीचे से दोनों हाथों को लाते हैं ऊपर, तो मेरे जन्मों के सारे पाप, और बस वही हल्का हल्का डिपिंग और कमर का एक्शन करना है और कुछ नहीं, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, 2 बार हाथ ऐसे इधर, फिर 2 बार इधर, 1 2 3 4, उसी के साथ पैर डिपिंग वाला, 1 2 3 4, बस हल्का, तो क्या था पूरा, मेरे जन्मों के, 1 2 3 4, फिर से लाइन आई यही, मेरे जन्मों के सारे पाप, यूं करते हुए धुल जाएंगे राम आएंगे। तो इस पे आप पहले भगवान का ऐसे धनुष उठाते हैं, तो वो एक्शन करेंगे राम आएंगे। लाइन आएगी मेरी झोपड़ी के, तो आपको इसमें पैर देखिए कैसे चलाना है, आप सीधे खड़े, आपको पहले एक लेफ्ट राइट कोई भी आप ले जा सकते हैं, एक पैर को ऐसे साइड में बस ले जाना है, एक ही पैर को देखिए बाहर ले गए हम, फिर वापस अंदर रखेंगे, फिर दूसरे पैर को साइड में ले जाएंगे, वापस अंदर रखेंगे, तो 1 2 3 4, इसी के साथ हाथ को आपको ऐसे करना है, जब आप पैर बाहर ले जाएंगे हाथों को ऐसे बना देना एक्शन झोपड़ी का, जब पैर अंदर आएगा तो वापस नीचे हाथ, 1 2, हाथ को ऐसे सामने, अब ये पैर जाएगा साइड में, फिर से 1 2, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे पे, आपको पैर को 1 2 3 4 4 बार चलाना है, 1 2 3 4, सिर्फ एक पैर को, और बस आपको हाथ से ऐसे खोलने का, यूं हाथों को ऐसे पलटना है, 1 2 3 4, इस साइड से इस साइड जाना है पैर चलाते हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, फिर राम आएंगे लाइन पे हाथ जोड़ लेंगे, अब आपको यू हाथों को बस ऐसे स्विंग करना है इधर इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, ये देखिए ऐसे ऐसे करना है साइड में, ये बस आपको ध्यान के रखना है, जैसे आपने हाथ इधर किया
तो पैर अपोजिट, देखिए बाहर की तरफ उस साइड। अब जब पैर को इस तरफ रखेंगे तो हाथ इधर, उल्टा चलेगा अपोजिट। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, राम आएंगे। दोबारा यही लाइन आएगी, आप वही स्टेप रिपीट कर सकते हैं, या आप लास्ट में राम आएंगे वाली लाइन पे ये वाला एक्शन ना करें, आप दूसरा एक्शन करेंगे। क्या करेंगे, पैर ऐसे क्रॉस चलेगा, ये वन टू थ्री फोर, ऐसे वन टू थ्री फोर, पैर ऐसे चल रहा है इसी के साथ, जैसे ही हमने पैर आगे रखा है हाथ जोड़ के उसी के साथ आगे हाथ को ले जाना, यानी वन थोड़ा सा झुक के हाथ को ऐसे यूं और वापस सीधा। अब इधर पैर जाएगा तो इधर वन टू, वन टू थ्री फोर, झोपड़ी के भाग आ खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्लियर है? इसके बाद फिर से यही लाइन है, आप यही एक्शन कर दीजिए, या आप सिंपल राम आएंगे ऐसे ऐसे अपना भक्ति में मस्ती में करते हुए हाथ जोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी भजन कीर्तन हो उसमें आप ये स्टेप यूज कर सकते हैं। और आएंगे के लिए एक्शन क्या करना है, आएंगे इधर दो बार, इधर दो बार, वही डिपिंग करते हुए आएंगे आएंगे राम आएंगे। देखिए दो बार, इधर दो बार, इधर दो बार, ऐसे करना है। और ये डांस ही नहीं आपकी भक्ति भी है, तो इस पे प्रैक्टिस करिए। लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको घर बैठे आराम से डांस सिखा सकूं। तो अगर आपको अलग से वेडिंग कोरियोग्राफी या शादी के लिए डांस सीखना है तो आप मुझे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाके कर सकते हैं, मेरे अकाउंट को फॉलो करिए और उस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करिए, मैं फिर से नए वीडियो लेके आऊंगी। मस्त रहे, खुश रहे, थैंक यू।